आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना, और वो बहुत ही दर्द भरी कहानी है। ये लड्डू गोपाल को किसी ने जलाया है, और ये एक सच्ची घटना मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की है। बिल्कुल हकीकत है, ये उसी के हाथ में आए हैं। और ये कैसे उसको मिले और कैसे ये जले, आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि कोई इंसान इतने नीचे कैसे गिर सकता है। मतलब किसी भी तंत्र विद्या, किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र, इन सब के चक्कर में आके क्या आप भगवान को ही नहीं छोड़ोगे? मतलब जानवर पशु पक्षी ये तो खैर छोड़ दो, अब इंसान को भी छोड़ दो, अब भगवान भी नहीं बच रहे हैं। तो ये क्या होता जा रहा है? लोग ये भूल रहे हैं कि जो हम करेंगे वो इस जन्म में भी मिलेगा, और जो थोड़ी बहुत बच गया वो अगले जन्म के लिए भी रहेगा। इसलिए अच्छे कर्म कर लो। ये भगवान है, ये लड्डू गोपाल, ये पत्थर की मूर्ति, तांबे की मूर्ति बस नहीं है, ये साक्षात हमारे कृष्ण भगवान हैं। तो जिस भाव में आप मानोगे ना उनको, वही रूप आपको दिखेगा। आप पत्थर मानोगे तो पत्थर ही दिखेंगे उनमें। लेकिन इसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म का नतीजा कभी ना कभी, अभी आपको लगेगा कि हाँ चलो मैंने ये अंत्र मंत्र जंत्र जो भी किया उससे मुझे लाभ हुआ, लेकिन उसके बाद जो आपकी दुर्गति होगी ना, वो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ कितना गलत होगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बचो और अच्छे कर्म करो। अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा मत करो, ना करो ना सोचो, तो आपके साथ कभी बुरा होगा भी नहीं, और सब अच्छा होगा। जो होगा सब अच्छा होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो और सब अच्छे कार्य करते जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए सुनाते हैं आपको एक बहुत ही दर्द भरी सच्ची कहानी। तो एक मेरी फ्रेंड है, वो रहती है राजस्थान में, तो उसने ये बात, ये कहानी सुनाई है, सच्ची घटना मतलब, कि वो गई हुई थी मंदिर, और जब वो मंदिर जाती है भगवान के अच्छे से दर्शन कर लेती है, सब कुछ कर लेती है। फिर मंदिरों में एक भभूति वाला कुंड होता है ना, हवन कुंड, जहाँ पे भभूति मिलती है, तो वहाँ पे वो भी गई, पहले प्रणाम किया फिर भभूत लेने के लिए। जैसे ही वो हवन कुंड में ऐसे हाथ वो करती है, अंदर करती है भभूत लेने के लिए, तो उसको कुछ टकराया, तो उसको लगा होगा कि होगी कोई लकड़ी अकड़ी, लेकिन फिर वो अच्छे से और ले लेती है घर ले जाने के लिए, ऐसे बच्चे हैं उनको खिलाने के लिए, भगवान का प्रसाद भी होता है भभूत, तो वो लेके जैसे वो उठाने के लिए करती है, तो उसमें ना हाथ में लड्डू गोपाल का हाथ टकराता है। तो जैसे ही वो अच्छे से उठाती है, तो उसको ये प्यारे से ऐसे जले हुए लड्डू गोपाल मिलते हैं। तो जैसे ही वो देखती है तो उसको तो एकदम से लगता है कि ये क्या है। फिर बाद में उसके पति भी थे, वो अपने पति को बताती है कि देखो ये हवन कुंड में ये लड्डू गोपाल कैसे आए। तो किसी ने, अगल बगल वाले जो साथ में थे वो बोले कि किसी ने तांत्रिक क्रिया किया होगा, तंत्र मंत्र किया होगा, इसकी वजह से है। तो उन्होंने मना किया कि मत ले जाओ घर, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अच्छा नहीं है, किसी ने जंत्र मंत्र किया होगा। तो उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे थे, वो भी पूजा पाठ धर्म से जुड़े हुए इंसान थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आखिर यहाँ पड़े रहने से तो अच्छा है ना कि हम अपने घर ले जाएंगे, उनको अच्छे से पूजा आराधना करेंगे। तो फिर वो घर ले जाते हैं, लेकिन जब घर अच्छे से वो क्या करती है कि कुछ दिन तक उनकी अच्छे से चंदन लगा के, चंदन का लेप करके, उनको एकाध महीने 15 दिन उसको ऐसे रखती है कि भगवान आग में तपे हैं तो बहुत अंदर से गर्मी होगी, और मतलब यही तो प्रेम चाहिए भगवान को, और कुछ नहीं चाहिए ना, वो तुम्हारे खाने पीने किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मन के भाव होना चाहिए, सिर्फ भाव के भूखे हैं भगवान। तो वो अच्छे से चंदन का लेप करती है, खूब सुंदर से कपड़े ले जाती है मार्केट से, पगड़ी ले जाती है, फिर उनको अच्छे से श्रृंगार करती है, और रोज़ चंदन लगा के उनकी सेवा करती है कि भगवान को थोड़ी ठंडक मिले। लेकिन इस रूप में उसको भी देख के अच्छा नहीं लगता था, रोना आता था जब भी वो ऐसे कन्हैया जी को देखती थी। तो एक दिन उसने मेरे से पूछा कि यहाँ पे राजस्थान में तो मुझे कोई ऐसी शॉप नहीं मिल रही है जो मैं जिससे कि मैं मेकओवर करा सकूं भगवान जी का, तो वहाँ पे है क्या कोई, तो जिससे मैं, मेरे यहाँ पे पास में ही एक शॉप है,
तो मैंने वहाँ का पता बताया, तो फिर वो आई और यहाँ पे अपने कन्हैया जी का, उन्हीं कन्हैया जी का बहुत ही अच्छे से सुंदर से श्रृंगार कराया। तो देखिए अब कैसे लगने लगे, ओवर के बाद बहुत ही सुंदर लगने लगे थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि ये खंडित हो चुके हैं, तो इनको विसर्जन कर दो और इनको घर पर नहीं रखो। तो वो लोग क्या कहते हैं, उसके हस्बैंड और उनके कितने अच्छे विचार हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर घर में किसी बच्चे को कुछ हो जाए, उसके हाथ में चोट लग जाए या उसको कुछ हो जाए, तो क्या हम उपचार नहीं कराएंगे उसकी? अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसको उपचार नहीं कराएंगे, उसको बाहर छोड़ आएंगे? तो ऐसे तो ये भी है ना, ये भी हमारे घर के अब एक सदस्य के जैसे ही हो गए हैं। जैसे घर में हमारा बच्चा है वैसे ही ये हैं। तो कहने वालों के मुंह बंद हो जाते हैं और वो अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने घर ले आते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। जैसे लोगों ने डरवा के रखा था ना कि घर पे मत रखो, अनिष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने दिन हो गए घर पे आए हुए, कुछ भी नहीं हुआ उनके घर में, और सुख शांति है, प्रसन्नता है उनके घर में, और बहुत ही अच्छे से प्यार से सब लोग रह रहे हैं। और उनकी कृपा से पहले से भी ज़्यादा उनका सब कुछ अच्छे से होने लगा, रोजगार अच्छे से चलने लगा, उन्नति होने लगी, और लड्डू गोपाल भी खुश हैं और उनके घर के सभी लोग खुश हैं। तो अपने घर में लड्डू गोपाल को रखिए तो एक सदस्य के रूप में रखिए, यही भाव से रखिए, तो वो लड्डू गोपाल भी अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। और कभी भी किसी के कहने पर इस तरीके की कभी भी गलती मत करना, क्योंकि ये भी भगवान भी हमारे घर के एक सदस्य हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।